हाय गाइस, मैं राजवीर आपके लिए और एक वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड से रिलेटेड। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बिड स्ट्रेटजी के ऊपर, कि बिड स्ट्रेटजी गूगल एड में क्या होता है एंड कैसे ये वर्क करता है। ओके, ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे ये विजिबल भी है कि बिड स्ट्रेटजी एंड उसके कुछ टाइप्स लिखे हैं। एंड आपने अपने फ्रेंड से या फिर आप खुद ऐड चलाते हो या फिर अपना के फ्रेंड या फिर आपके कोई भी कलीग्स अगर चलाते हैं तो वो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि मैंने ये बिड स्ट्रेटजी रखी है और ये मैक्सिमाइज क्लिक्स रखे हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स रखे हैं, मैक्सिमाइज वैल्यू रखा है मैंने। तो वो चीज़ें होती क्या है एंड वो क्यों रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिड स्ट्रेटजी। बिड स्ट्रेटजी होता क्या है? तो बिड स्ट्रेटजी एक तरीके का मतलब इंडिकेट करने के लिए, गूगल को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि गूगल को हम इंडिकेट करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए अपने ऐड से, हमें ये रिक्वायरमेंट है अपने ऐड से। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग गूगल हमारा ऐड परफॉर्म करता है एंड हमें रिजल्ट लाके देता है। ओके, तो इसलिए बिड स्ट्रेटजी का यूज़ होता है ताकि हम गूगल को अच्छे तरीके से इंडिकेट कर सकें। लाइक अगर मैं वहाँ पे ट्रैफिक ऐड चला रहा हूँ एंड मैं वहाँ पे कन्वर्जन शो करूँगा तो वहाँ पे वो मुझे ट्रैफिक नहीं, वहाँ पे कन्वर्जन देगा। ठीक है, तो गूगल को इंडिकेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं बिड स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बिड स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे हमारे 6 टाइप्स ऑफ बिड स्ट्रेटजीज होते हैं। तो एक एक बिड स्ट्रेटजी को हम समझते हैं। लाइक अगर मैं पहले की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि लाइक जो हमारा है पहला मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स होता क्या है एक्चुअल में? तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स को अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या है, लोगों को क्या होता है कि लाइक उन्हें कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। वो और वो कन्वर्जन किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, चाहे आपका ट्रैफिक होगा, लीड होगा, सेल होंगे, ठीक है, या साइन अप होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, लीड फॉर्म होगा। तो इस टाइप्स के आपके मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स बहुत सारे होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एंड और भी जो वीडियोस यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो उसमें एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे जब मैं कैंपेन्स की वीडियोज बनाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से मैक्सिमाइज कन्वर्जन होता है जिसमें हमें क्वालिटी ऑफ लीड्स या शॉपिंग्स या फिर क्वालिटी ऑफ साइन अप्स, ये चीज़ें मिलती हैं। बात अगर हम वहीं पे करें कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो ये बेसिकली दो जगह यूज़ होता है ज़्यादातर। एक हमारा जो होता है मैक्सिमाइज लीड्स के लिए, अगर हम कोई ऐड रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के ऊपर ही ऐड रन करेंगे और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो भी हमारा मैक्सिमाइज कन्वर्जन होगा। ओके, देन अगर वहीं पे हम सेकंड बात करें टारगेट रोआस की, रोआस होता क्या है, तो ये हमारा रिटर्न ऑफ है, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसका हमें यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है हमें, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है उसे ही हम कहते हैं रोआस। लाइक अगर एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो मैंने 50,000 अपने ऐड पे स्पेंड किया एंड वहाँ पे मुझे 1,00,000 आ रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, 2 पॉइंट का रोआस हो गया। ओके, कि मतलब 2% का रोआस है मुझे, ठीक है। तो रोआस का मतलब ये यही होता है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है आपके ऐड से। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम शॉपिंग, जैसे ई कॉमर्स की ऐड अगर मैं रन कर रहा हूँ तो वहाँ पे बेसिकली हम इस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बिकॉज रोआस अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे गूगल ऑलरेडी, गूगल का जो AI है या फिर कह सकते हैं लर्निंग मशीन है, वो ऑलरेडी उसे लर्न कर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें रोआस दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट इतने का है और वो इतनी सेल हुई है, तो इस अकॉर्डिंग आपका रोआस जो है 2, 3, 4, 5% बना है, ठीक है। देन वहीं पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे हमें आता है टारगेट CPA, ठीक है, कोस्ट पर एक्विजिशंस। तो कोस्ट पर एक्विजिशंस क्या होता है, ये भी एक तरीके का हमारा बिड स्ट्रेटजी होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एक क्लिक्स को या फिर एक फॉर्म को एक एक्विजिशंस में रखते हैं, कि लाइक अगर वो लीड फॉर्म वहाँ पे फिल कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसको हमने एक बिडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, लाइक 20 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, जितने में हमें लीड्स मिल सकती है। ओके, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे रखते हैं। एंड वहीं पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे हमारा 4th ऑप्शन है मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स हम बेसिकली ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं या डिस्प्ले एड्स हम रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर रखते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें ये रहता है कि लाइक हमें जितने ज़्यादा मैक्सिमाइज क्लिक्स आएंगे, मतलब हमारे ऐड पे लोग जितने ज़्यादा क्लिक्स करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि हमें कन्वर्जन्स, रोआस या कोस्ट पर एक्विजिशंस मिले। ओके, तो इसलिए हमारा बेसिक जो होता है वो आपने सुना भी होगा कि ज़्यादातर लोग मैक्सिमाइज क्लिक्स ही रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इतने हमारे ऐड पे इतने लोग क्लिक कर रहे हैं, लाइक 1000 पीपल अगर क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं कन्वर्जन ले सकता हूँ कि लाइक वहाँ पे मुझे 10 प्रोडक्ट्स मेरे सेल हो सकते हैं। ये मैंने एक ऑन एवरेज बताया है आपको। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे अगर आप देख सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू, ओके, तो हमारे 5th पॉइंट ही है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, इसमें मैक्सिमाइज भी है, कन्वर्जन्स भी है एंड वैल्यूज भी है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें कन्वर्जन मिले, और वो कन्वर्जन किस टाइप्स का वैल्यू हो उस कन्वर्जन्स की। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें सिर्फ कन्वर्जन्स मिल रहा है, उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए हम ये भी सिलेक्ट करते हैं कभी कभी कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यूज हमें मिले। ठीक है, देन वहीं पे अगर हम बात करें नीचे टारगेट इंप्रेशन शेयर्स की, तो यहाँ पे ये भी एक तरीके का स्ट्रेटजी है, बिड स्ट्रेटजी है कि हम कभी कोई ऐड रन कर रहे हैं, लाइक हमारा अवेयरनेस ऐड हो सकता है या डिस्प्ले ऐड हो सकता है, ठीक है, या ट्रैफिक के लिए ऐड हो सकता है, तो उसमें हम ज़्यादातर रखते हैं कि टारगेट इंप्रेशन शेयर्स हो हमारे, मतलब जो हमने वहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर रखी है एंड जो हमें इंप्रेशंस आ रहे हैं वो शेयर हो और भी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसलिए हम वहाँ पे रखते हैं टारगेट इंप्रेशन शेयर्स। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टारगेट इंप्रेशन शेयर्स, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो टारगेट इंप्रेशन शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट इंप्रेशन शेयर देख सकते हो। बिड स्ट्रेटजी क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली जो मैंने आपको बताया वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी दैट सेट्स बिडिंग विद द गोल ऑफ शोइंग योर एड ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक आपका जो बिडिंग स्ट्रेटजी होता है, लाइक जो इंप्रेशन शेयर करते हो आप, तो इसमें आपका जो गूगल क्या करता है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी सेट कर देता है एंड जिससे आपका जो एड है वो टॉप पे शो होता है पेज के और एनी वेयर ऑन द पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट, सो वो कहीं पे भी शो हो सकता है। तो इसमें क्या हो कह सकते हैं हम कि वो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ चला जाता है, गूगल के पास कंट्रोल चला जाता है अथॉरिटी। एंड यहाँ पे जो बिडिंग हम कोई सेट नहीं करते कि हमें 10 रुपीज में चाहिए या फिर 20 रुपीज में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल अपने अकॉर्डिंग हमारा एड का जो है रैंक डिसाइड करता है कि हाँ इतने स्ट्रेटजी पे हमारा एड टॉप पे शो करेगा। तो ये हमारा होता है यहाँ पे टारगेट इम्प्रेशन शेयर। ओके, तो इस अकॉर्डिंग के यहाँ पे हमारे कुछ इम्प्रेशन होते हैं बिड स्ट्रेटजी के, मैक्सिमाइज क्लिक्स, टारगेट रोआस, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशंस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू एंड टारगेट इम्प्रेशन शेयर्स। तो ये हमें गूगल एड्स में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गूगल एड्स में जो ये हमें देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्विच, देन यहाँ पे अगर आप आओगे टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको शेयर्ड एंड लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आपके सामने आएगा बिड स्ट्रेटजीज। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बिड स्ट्रेटजीज पे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, लाइक कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरीके का आपके सामने जब आप पहली बार करोगे तो इस तरीके का है, तो यहाँ से ना आप अपनी बिड स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल फॉर दैट बताता हूँ ताकि आप क्रिएट करना भी सीख जाओ। यहाँ पे लाइक हम प्लस वाले आइकन पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है लाइक टारगेट CPA, टारगेट ROAS, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू एंड टारगेट इंप्रेशन शेयर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी किसी भी मतलब बिट स्ट्रेटजी के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मुझे बता रहा है सेट ए बिट टू सेट गो गेट द मोस्ट कन्वर्जन्स पॉसिबल वाइल रीचिंग योर एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन गोल। ओके, तो अगर मैं टारगेट CPA करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए ये हमें देखने को मिल रहा है, फिर टारगेट ROAS पे भी। तो ये चीज़ें भी आप एक एक करके क्लिक कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स, सेट बिट्स टू गेट मोस्ट क्लिक्स विद इन योर बजट, अपने अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टारगेट CPA बनाते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो इसके लिए हम मैंने इस पर क्लिक किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे नेम मैं रख देता हूँ कुछ भी लाइक टेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने कोई कैंपेन क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे कैंपेन साथ ही साथ इंक्लूड कर सकते हो, लाइक जैसे मेरा एक कैंपेन है तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड डन, कि मेरा जो यहाँ पे मैं कॉस्ट पर एक्विजिशन हो ये मेरा इस कैंपेन पे
एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कोस्ट पर एक्विजिशन आप कितना रख सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका कोस्ट पर एक्विजिशन है क्या। तो जैसे मुझे पता है कि वो मुझे 50 रुपीज में मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे रखा 50। एंड नीचे आप देख सकते हो ऑलरेडी आ रहा है क्रिएट ए शेयर्ड बजट टू यूज विद दिस पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है 50। अगर मैं इसे एंटिक भी कर देता तो कोई इश्यू की बात नहीं है, और ये हो चुका है मेरा यहाँ पे ओके। और अगर मैं इसे एडवांस के ऑप्शंस पे जाऊं तो एडवांस ऑप्शंस पे आप देख सकते हो कि मिनिमम बिड लिमिट आप क्या रखने वाले हो, और मैक्सिमम मतलब कम से कम कितने में आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कम से कम मुझे 45 में, और मैक्सिमम जो मुझे चाहिए मैं 55 पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो गूगल को मैंने एक इंडिकेट कर दिया है कि इसके बिटवीन ही मुझे रिजल्ट चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होता तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपका 56 में भी आए या 60 में भी आए, और कभी कभी आपका हो सकता है 35 में आए। तो ये फ्लैक्चुअलिटी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमने एक इंडिकेट कर दिया है। एंड वहीं पे अगर मैं इसे करूँ सेव, तो ये मेरा एक स्ट्रेटजी बिड स्ट्रेटजी जो है वो बन चुका है। आप देख सकते हो टारगेट सीपीए कोस्ट पर एक्विजिशन, एंड ये एक्टिव हो चुका है, और ये मेरा कैंपेन भी यहाँ पे आ चुका है। एंड बजट देख सकते हो वैरिड है, एंड क्लिक्स जो भी आएंगे वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है बिड स्ट्रेटजी बना सकते हो सबका, लाइक जिसका भी आप बनाना चाहो तो इसी अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिड स्ट्रेटजी क्या होता है, एंड कैसे इसे क्रिएट करते हैं, एंड कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर फिर भी आपको बिड स्ट्रेटजी में कोई इशू आता है, कोई बिड स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस चैनल पे अब कंटिन्यूस वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी है। ओके okay?